दिखावा। अच्छा कहती ए मुझे दिखाओ बस। ओए होए लवन्या ने दिखावा। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सबको हमारे से राम राम जी। नहा नहू के मैं तैयार हो गई हूँ। लवन्या को नहला दिया, फिर खाना खिला दिया, दवाई वगैरह दे दिया। और मन्नू गया था पेपर देने के लिए। मन्नू पेपर देके आ चुका है, अभी अभी जस्ट आया। और राम मैं राम जी गाइस। राम राम जी। और मैं जा रही हूँ आंटी जी और के साथ विसर्जन करने के लिए गणपति जी का। तो आज वो जा रहे हैं ना अपने घर पे गणपति जी, तो उनके साथ मैं जा रही हूँ। मतलब जा रही, वापस आ जाऊँगी मैं। तो क्या कहते हैं, आंटी जी के घर जा रही हूँ। और मन्नू का पापा वहीं निकलना था, तो वो वहाँ पर चले गए हैं। तो चलिए हम चलते हैं गणपति जी का विसर्जन करने के लिए। खाना खुना सबको खिला दिया, लवन्या को खिला दिया। मन्नू का खाना बना हुआ, ये खा लेगा। और मन्नू का पका के चले गया, मैंने अभी से खाया नहीं, टाइम ही नहीं मिला, लेट हो गई हूँ ना, तो इसलिए मैं ऐसे जा रही हूँ, आके खाऊंगी। तो मैं पहुँच गई हूँ, आप सब भी दर्शन कर दीजिए। आज गणपति जी अपने घर जा रहे हैं, तो मत्था टेक लेते हैं। जय गणेश जी। आज इनका लास्ट दिन है ना। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, जय गणपति। तो अभी घर में ना पूरे घर में परिक्रमा होगी गणेश जी की, तो अब इनको पूरे घर में परिक्रमा करेंगे। मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति पापा मोरिया, गणपति पापा मोरिया, पूजा बक्षी लोकरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, ऊर्जा वर्षी लोकरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, ऊर्जा वर्षी लोकरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, ऊर्जा वर्षी लोकरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, बस बस, गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति। तो आंटी जी यहाँ गाड़ी चला रहे हैं, नेहा ने गणपति जी को ले रखा गोद में। तो हम लोग अब घर से निकल चुके हैं, और अंकल जी को हॉस्पिटल जाना था इसलिए वो आए नहीं हैं। तो किसी के पास आज टाइम है, तो हम तीनों जाने जा रहे हैं, लवण्य और मन्नू घर पे। सर्जन वगैरह हो चुका है, और अब हम खा रहे हैं यहाँ पे कढ़ी चावल। लंगर लगा हुआ था, तो लंगर में कढ़ी चावल मिले हमें। अच्छा, अभी मेरे को बोले मम्मी अच्छा, तुम कैसे खा रहे हो इतनी मिर्च है? और पीछे कितना प्यारा व्यू आ रहा है पीछे पानी का। अभी हम मंदिर में दर्शन करने लगे हैं, मंदिर में दर्शन करके फिर हम लोग निकलेंगे घर को। तो
तो मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम गणेश जी का विसर्जन देखा और किया है, और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। दिल को इतनी खुशी मिली ना पहली बार में। मन्नू बेचारा रह गया, मन्नू बोल रहा था कि मुझे भी जाना है, और अब क्या करें, अगली बार देखेंगे। और अब हम जा रहे हैं, निकल रहे हैं यहाँ से। आंटी जी गाड़ी चला रहे हैं, नेहा यहाँ बैठी है और हम निकल रहे हैं अब घर को। अब हम आपको घर जाके मिलेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो अभी हम घर हो के आ चुके हैं। घर होने के बाद हम जा रहे हैं अभी अंकल जी को लेने के लिए, तो उनको लेके आएंगे। और अब हम, मैं भी साथ में आ गई हूँ। आंटी जी बोल रहे हैं कि चलो तुम भी चलो साथ में, अच्छा लगेगा। तो मैं भी आज पूरा दिन से घूम ही रही हूँ साथ में, तो आज मेरे यहाँ घूमने का दिन था। शायद गणेश जी ने बोला कि आज घूमती रहो। मन्नू को देख के आई हूँ मैं घर पे, लवन अभी सोई रही थी, मन्नू टीवी देख रहा था। तब तक हम घर वापस चले जाएंगे, अभी मन्नू का ट्यूशन का टाइम होगा ना, तब तक पहुँच ही जाएंगे घर पे। आंटी जी अपना गाड़ी चला रहे हैं, देखो इनको गाड़ी, शुक्र है कि आता है। गाड़ी ना आता हो तो फिर तो मुश्किल है, गाड़ी चला लेते हैं। मेरे को तो आता ही ना, गाड़ी आती है ना एक्टिवा आती है, जवान चलानी आती है बस। फोन चलते चलते बंद हो गया, अब घर जगह ऑन होएगा, चार्ज होगा। तो अभी हम घर पहुँच गए आंटी जी के, और अब मैं जा रही हूँ घर पे, फिर मम्मी को ट्यूशन भेजती हूँ और लवन्या को भी देखती हूँ क्या कर रही है। सोई रही होगी, वैसे तो सोती रहती दिन भर, आज मैं पूरा दिन घूमने में निकल गया मेरा। तो मैं घर पे पहुँच गई हूँ, अब मन्नू जाएगा ट्यूशन, क्योंकि इसके पेपर चल रहे हैं ना, तो ट्यूशन चला जाएगा। लवन्या सोई रही है, उठ गई थी। तो ये देखिए, ये लवन्या बच्चों अभी तक सोई रही है, क्योंकि ये दिन भर में सोती है, रात को जागती है। तो मैं बस किचन कुचन साफ करूँगी, किचन में बर्तन वगैरह ऐसे छोड़ गई थी, जल्दी जल्दी में खाना खुना खा गए थे ना ये, तो अब बर्तन साफ कर लेती हूँ। तो बर्तन वगैरह मैंने साफ़ कर दिया, किचन पूरा क्लीन हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, फिर नहाने के बाद पूजा करूँगी, और तब तक मन्नू भी आ जाएगा ट्यूशन से। तो मन्नू ट्यूशन से आ गया था, और हमारी पूजा वगैरह भी हो चुकी है, नहा भी ली थी मैं, पूजा वगैरह भी होगी। और मन्नू बोलता मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई है, तो चने में हमने बनाए थे सुबह, और चने और रोटी बच्चों ने खा लिया। और अब मैं बनाने लगी हूँ दाल, दाल के साथ साथ फिर आटा वाटा गूंदूंगी, रोटी बना लूँगी। कैसी तो गाइस ये कड़ा दिया था अंकल ने मेरे को कल, कल दिया था कल, हर साल चच्चू का कड़ा। तो मैं जा रही हूँ अब किचन में, है ना बेटू। गर्मी इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, और मौसम होता है कि जैसे शाम को ऐसा जैसे बारिश सी आएगी, बट कुछ आता ही नहीं है बारिश। पता नहीं दुनिया भर में बारिश हो रही है, हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है। इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, इतना बुरा हाल गर्मी से ना। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट चले जाओ, कितने आओ। तो दाल चावल बन गए हैं, और मैं कहते चने की सब्जी भी है, बस रोटी रोटी बनाऊँगी जैसे मन्नू पापा आएंगे। और अब मैं कर रही हूँ ब्लॉग की एडिटिंग हो रखी है, बस क्या कहते हैं ब्लॉग अपलोड करना है, और टाइटल वगैरह लिख रही हूँ, थंबनेल वगैरह बना रही हूँ। तो ब्लॉग वगैरह अपलोड हो गया था, और अभी मैंने और लवन्या ने डिनर भी कर लिया है, और मन्नू के पापा आ गए हैं, वो भी उस रूम में, दूसरे रूम में। ओए तो अभी डिनर वगैरह हमारा हो गया है। लवन्या देखो अब उठी है, बताओ मैं कब दिखाऊँ लवन्या। अब ये पूरी रात जागती रहेगी, या तो इसका पूरी रात का वीडियो बनाना पड़ेगा। फिर वो ये जागती है, जागती है, जागती है, जागती है, जागती है, रोती है, जागती है, रोती है, जागती है, है ना बेटू। और ये बच्चों कोई काम नहीं करता, तो मैं क्या दिखाऊँ, क्या दिखाऊँ, कहाँ दिखाऊँ, बोलो बोलता तेन दिखावा। अच्छा कहती मुझे दिखाओ बस, ओई हुई लवन्या ने दिखावा, मैं क्या दिखाऊँ वीडियो में फिर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।